नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका जेन इनोवेशंस में। दोस्तों, आज हम यहाँ पे हैं हमारे 1.3 किलोवाट सोलर सेटअप के साथ, और यहाँ पे हम तो ये जानते हैं कि जो सोलर पैनल्स है उसको साफ रखना काफी जरूरी है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम चेक करेंगे कि साफ वर्सेस डर्टी पैनल्स में कितना परफॉर्मेंस में फर्क आता है। और ये जो 1.3 किलोवाट का सेट है दोस्तों, अगर आपने इसका सेटअप टूर अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पे कॉर्नर में जाके या फिर जो है डिस्क्रिप्शन में जाके आप सेटअप टूर एक बार जरूर देखिए। बाकी दोस्तों, मैं जो है इन पैनल्स को फटाफट से साफ करने की तैयारी कर लेता हूं। तब तक आप लोग जो नीचे लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इन पैनल्स की हालत देखिए तो काफी एक मोटा लेयर जो है डस्ट का इसके ऊपर आ गया है, और जो पैनल्स हैं काफी ज्यादा गंदे हैं, आप देख सकते हैं। सो दैट्स हाउ डर्टी दे आर, ये देखिए। तो इन पैनल्स को जो है हम साफ करेंगे, लेकिन साफ करने के पहले मैंने सोचा कि एक बार ये जो पैनल्स गंदे हैं तो इन डर्टी अवस्था में जो है हम एक छोटा सा जो है इसका मेजरमेंट कर लेते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपको इसका परफॉर्मेंस देखना है क्लाउडी वेदर या फिर रेन में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में कई सारे जो है वीडियोस मिल जाएंगे। वहां पे जो है हमने इन 1.3 किलोवाट सेटअप का जो है अलग अलग कंडीशंस में टेस्ट लिया है। तो मल्टीमीटर का जो है हम फटाफट से जीरो कर लेते हैं, आप देख सकते हैं। और जो मेरा आउटपुट है दोस्तों, उसके लिए मैंने दो वायर यूज किए हैं। तो ये वाला जो है मेरा पॉजिटिव आउटपुट है इन पैनल्स का। तो फटाफट से क्लैंप लगा के चेक करते हैं। और दोस्तों, 1.3 किलोवाट का जो सेटअप है सिर्फ और सिर्फ 7 एम्पियर दे रहा है, बिकॉज दीज पैनल्स आर सो डर्टी। ये देखिए, तो यहां पे मुश्किल से जो है 7 एम्पियर हमको मिल पा रहे हैं। तो आइए फटाफट से इनको क्लीन कर लेते हैं और फिर एक बार और चेक करते हैं कि कितनी बढ़ोतरी हमको देखने को मिलती है। दोस्तों, 4 में से जो है मैंने एक पैनल क्लीन कर लिया है, तो आप देख सकते हैं पैनल जो है किस तरह से क्लीन हुआ है। और ये जो बाकी के पैनल हैं दोस्तों, ये अभी भी गंदे हैं। तो आइए हमारा जो ट्रस्टी क्लैंप मीटर है उसका इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, क्लैंप मीटर अगर आपको लेना है तो बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो है ये क्लीन पैनल का हम एम्पियर चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस वाले जो क्लीन पैनल का आउटपुट का वायर है, और यहाँ पे मैं जैसे ही क्लैंप लगाता हूँ दोस्तों, तो लगभग जो है 4.7 एम्पियर ये पैनल अकेले जनरेट कर रहा है। आप देख सकते हैं 4, 4.5 एम्पियर तक भी जा रहा है लगभग। तो 4.5 से 5 एम्पियर जो है आप इसको कह सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा ये डर्टी पैनल है ये वाला, इसका आउटपुट वायर यहाँ पे है, ये रहा, ये इसका जो है आउटपुट वायर है। आइए हम क्लैंप लगाते हैं, और हमारा जो डर्टी पैनल है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ 3 एम्पियर जनरेट कर पा रहा है। इनफैक्ट ये तो इससे भी नीचे आ रहा है, मतलब 2 से 3 एम्पियर जो है हमारा डर्टी पैनल जनरेट कर रहा है, और 4.5 से लेकर 5 एम्पियर हमारा क्लीन सोलर पैनल जनरेट कर रहा है। आइए इसको जो है मैं सारे सोलर पैनल्स क्लीन करके एक और बार आपको जो है रीडिंग बताता हूं। दोस्तों, क्लीन सोलर पैनल्स कितने शानदार लगते हैं देखिए। तो आइए एक बार जो है हम फाइनल रीडिंग ले लेते हैं। बाकी दोस्तों, आपको सोलर पैनल्स का डेडिकेटेड अगर क्लीनिंग गाइड चाहिए, मतलब सोलर पैनल्स को अच्छे से क्लीन किस तरह से करें, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं हमारा क्लैंप मीटर, इसको जो है मैं अच्छे से जीरो कर लेता हूँ। और ये रहा मेरा आउटपुट वायर, यहाँ पे लगा दिया मीटर। और दोस्तों, जो हमें एम्पियर मिल रहा है अभी के डिमांड के हिसाब से, वो मिल रहा है 11 एम्पियर। और स्टार्टिंग का रीडिंग अगर आपको याद होगा तो लगभग जो है 6, 6.5 एम्पियर आ रहे थे। मतलब पैनल की सफाई से हम ये कह सकते हैं कि लगभग जो परफॉर्मेंस है पैनल का डबल हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप जो है आपके सोलर पैनल्स को साफ सुथरा रखिए और फ्री में डबल परफॉर्मेंस पाएं। और इस तरह के अगर आपको वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इनफैक्ट जो परफॉर्मेंस है दोस्तों, वो ऊपर जा रहा है, लगभग जो है 13
13.5-14 एम्पियर के आसपास जो है इसका परफॉर्मेंस जा रहा है। और ये रहे मेरे 1.3 किलोवाट के पैनल्स। गाइस टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।